Hey, so welcome back. This is me, Rehan, and you are watching 30 tips in 30 days. And this is tip number 22. And today we are going to learn how to create 360 panorama render. Yes, आज हम बनाने जा रहे हैं 360 panorama render. आप उसको कैसे create कर सकते हो और कैसे आप उसको 3D Studio Max में आप उसको view कर सकते हो. Okay, so let's jump to the PC screen and let's enjoy the process. So here we go. Okay guys, as you can see, this is my 3D Studio Max file. मैंने एक integer की file open की हुई है. So first of all, आपने क्या करना है, आपने अपना कैमरा जो है वो अपने सीन के बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है. ओके, बिल्कुल फोकस होके. एज यू कैन सी, माय कैमरा इज स्टिल इन द सेंटर ऑफ दिस इंटीरियर. ओके, अप लेफ्ट, अप एंड राइट, डाउन व्यू, यू कैन सी माय कैमरा. हर जगह से आप देख सकते हो कि मेरा सेंटर, मेरा कैमरा जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्लेस है. ओके, देन F10 कैमरा सेटिंग्स, वेदर यू आर यूजिंग क्रोना और वीरे, कैमरे का ऑप्शन आपके पास सब में मिलेगा. ओके, सो कैमरे में आप जाओ, यहाँ से कैमरे में आपने ओवरराइड पे चेक लगाना है, FOV को 360 करना है, ठीक है, और देन इसको स्फेरिकल करना है टाइप को. डन, हिट रेंडर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो 360 की रेंडर सेटिंग्स हैं उसकी रेजोल्यूशन है वो हाई होनी चाहिए. ओके, लाइक जैसे मैंने अपनी सेटिंग्स रखी है 4000x2000. सो आपको भी फोकस करना है कि आपकी रेंडर सेटिंग्स जो है वो हाई होनी चाहिए. ओके, इट शुड बी हाई. ओके, देन रेंडर, हिट रेंडर. मैं आपको पहले से दिखा सकता हूँ, दिस इज माई 360 रेंडर्स एंड आई हैव ऑलरेडी सेव दिस रेंडर. ओके, डन. सो जहां पर आपने इसको सेव किया है, लाइक मैंने इसको यहाँ पे सेव किया है, दिस इज माई डायरेक्टरी. नाउ द मेन थिंग स्क्रिप्ट. सो रन स्क्रिप्ट. मैं आपको ये पैनोरामा एक्सपोर्टर, दिस इज अ स्क्रिप्ट फॉर क्रिएटिंग पैनोरामा. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर यू आर यूजिंग क्रोना और वीरे, डोंट बी कंफ्यूज. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ. सो डायरेक्टरी जहां पे आपने, वेयर यू एक्चुअली हैव सेव योर 3D रेंडर, 360 रेंडर्स. ओके, वहां पे आपने इसको बताना है आपके ये फाइल कहां पर है. ओके, सो मैं भी इसको बता देता हूं, दिस इज द माय फोल्डर जहां पे ये फोल्डर क्रिएट करेगा. एक्चुअली ये जो स्क्रिप्ट है वो एक्चुअली क्रिएट करेगी अपने फोल्डर्स, तो आपने इसको डायरेक्टरी देनी है. ओके, नाउ हिट ओके. Now select the 360 render. Okay, now Corona से आपको check हटाना है, show Corona logo, check off, view rotates automatically, check off, done. Then generate files. So it actually automatically creates some files. Okay, now you can see you have HTML files and there is a min files, but what we are actually using is HTML file. Now open this file. So now this is your 360 panorama renders and you can actually view this and you can actually enjoy this. Okay, done. So I hope you find this tip helpful, and if you do, so like, share and subscribe. I'll see you in the next tip. Take care.